चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने रिलीज होकर 5 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कमाई के मामले में सलमान की टाइगर जिंदा है लगातार बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाना चालू कर रखा है। फिल्म ने 32वां दिन भी 70 लाख का बिजनेस किया है। इस हिसाब से अब तक टोटल कमाई 350 करोड़ रूपए हो चुकी है। सलमान खान की कैरियर में सबसे ज्यादा रूपए कमाने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है उभर कर आई है। इस बात की जानकारी तरुण आदर्श ने ट्वीट करके जानकारी दिया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सलमान खान की और टाइगर जिंदा है 400 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, लेकिन अब फिल्म की कमाई शायद थोड़ा ठंडा पड़ सकता है। बजा है पद्मावत। संजय लीला की भंसाली की फिल्म पद्मावत 25 जनवरी से पूरे भारत में रिलीज हो रही है। जाहिर है इस फिल्म का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोग पद्मावत फिल्म देखने के लिए लोग सिनेमा घरों में जाएंगे और टाइगर जिंदा है का कलेक्शन गिरावट की तरफ जाएगी। टाइगर जिंदा है में सलमान खान और कटरीना कैफर फिल्म आया हुआ गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। दर्शकों की जवान पर सर चढ़कर बोल रहा है। आपको बता दें कि सलमान खान अपने आने वाली फिल्म रेस 3 की शूटिंग में व्यस्त है। उनके अपोजिट है जैकलिन और डेजी शाह मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। साथ ही साथ सलमान खान के साथ बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं।